नरसिंहगढ़ में इन दिनों एक वायरल चैट का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल इस व्हाट्सएप चैट में क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह और पूर्व विधायक मोहन शर्मा, पूर्व विधायक गिरीश भंडारी सहित अन्य के खिलाफ बातें लिखी गई है। इसी मामले की जांच को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस व्हाट्सएप चैट में जिन फोन नंबर का उल्लेख है उस युवक पर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन युवक का कहना है कि विधायक, पूर्व विधायक के बारे में उसने कोई पोस्ट नहीं की है, ये फर्जी तौर पर बनाकर उसे फंसाया गया है। हालांकि संबंधित युवक कई बार ऐसी पोस्ट डाल चुका है जिसे लेकर पुलिस सभी मामले में उसे ही दोषी ठहरा रही है। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद युवक को जेल भेजा जा चुका है। सर, नगर कह के लेटर भी लिखा गया है ऊपर, तो सर उसमें क्या मेंशन किया गया है? यही मेंशन किया गया है कि ये जो गलत तरीके से जो मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, ये एक फेक बनाया गया है या किसी ने इसको हाईजेक किया है या किसी ने इसको जो मतलब किस टाइप से इसको मैसेज को वायरल किया जा रहा है, इसका ऑथेंटिक इसका जो सही जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जिसने भी ये गलती की होगी निश्चित रूप से कहाँ कहाँ भेजे गए हैं सर वो लेटर? लेटर हमारे साइबर सेल के माध्यम से ही सब जगह जाते हैं और शाखा हमारी उसके माध्यम से भेजा। कुछ अश्लील अभद्र चैट्स की गई थी जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया। आज पुनः आने का कारण ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उस आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई, उस आवेदन को लेकर पुलिस प्रशासन ने किसको अपराधी नियुक्त किया और पुलिस प्रशासन आखिर 3 दिन हो गई उस चैट्स को लेकर अभी तक अपराधी क्यों नहीं कर पा रही है, कि आखिर अपराधी कौन है, क्या कारण, वो कारण स्पष्ट करें।